हाय गाइस, अगर आप लोग के भी वीडियो में दो चार व्यूज आके रुक जाता है तो कैसे आप व्यूज ला सकते हैं, कैसे आप व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। अब देखो गाइस, आप अपने वीडियो को शेयर करके व्यूज लाना चाहते हो तो ला सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने वीडियोस को कहीं पे शेयर करते हैं तो लोग आपके कहे अनुसार आपके वीडियो को देखते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं फिर आपके वीडियो को दोबारा नहीं देखते हैं। लेकिन जो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा उससे आप लोग को कहे अनुसार नहीं देखेंगे, जिसको आपको वीडियो में इंटरेस्ट होगा वही देखेगा और आप लोग को लगातार व्यूज आएगा। अगर आपके वो एक बार वीडियो देख लेता है तो फिर ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको उसके पास वीडियो भेजेगा, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा और वो भी आपके वीडियो रेगुलर देखेगा। तो कैसे करना है सभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं अपना YouTube ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये हमारा YouTube ओपन हो चुका है। अब यहाँ से गाइस आप लोग को सबसे पहले वीडियो अपलोडिंग करने के बाद एक काम आप लोग करना है। तो मान लो आपने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ पे मैं अपना योर चैनल पे चलता हूँ, आप लोग को भी आना अपने चैनल पे। जैसे ये हमारा वीडियो है, तो रिसेंटली मैंने वीडियो ये वाला अपलोड किया था, तो यहाँ पे आप लोग को थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आप लोग को शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को लिंक कॉपी कर लेना है। और अगर आप लोग को 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आप लोग को कम्युनिटी टैब इनेबल हो चुका है तो आप लोग को यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है, मतलब 20 पे, उसके बाद यहाँ क्रिएट पोस्ट पे। और आप लोग को ना कुछ मैं आप लोग गैलरी में जाकर बता रहा हूँ, तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा गैलरी में जाता हूँ और आप लोग को कुछ इस तरह से एक पोस्टर बना लेना है, जो कि आप लोग अगर नहीं बनाने आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में वीडियो ला दूंगा जिसमें आप मैं बताऊंगा कैसे आप लोग ऐसे पोस्टर बना सकते हो। यहाँ पे ना आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस आइकन पे, उसके बाद यहाँ क्रिएट पे, और यहाँ से आप लोग जैसे ये वाला लोगो, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे, और यहाँ से ना आप लोग जो लिंक कॉपी कर रहे हो वो यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से अगर आप लोग कम्युनिटी टैब इनेबल है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इनेबल नहीं है तो आप लोग को कैसे व्यूज लाना है अदर सोशल मीडिया से, यहाँ से आप लोग को आना है होम स्क्रीन पे, और यहाँ सबसे पहले ना आप लोग को चलना है अपने इंस्टाग्राम में। और यहाँ से गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एक काम करना होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक आप लोग को कनेक्ट कर लेना होगा एक दूसरे से, क्योंकि कनेक्ट रहेगा तो अगर आप यहाँ पे स्टोरी लगाएंगे तो फेसबुक में ऑटोमेटिक चला जाता है। यहाँ से आप लोग को आने के बाद यहाँ आप लोग को अपना लोगो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आप लोग को प्लस वाला आइकन पे, और यहाँ आप लोग को स्टोरी पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपके जो अभी पोस्टर जो बनाए थे वो यहाँ से आप लोग को ऐसे लेना है। अब लेने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग को इमोजी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को एक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, पहले मिलता था बहुत ज़्यादा फॉलोअर होने के बाद, लेकिन अभी बहुत कम से फॉलोअर रहते हैं फिर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को लिंक पर क्लिक करना है, और जो अभी आपने लिंक कॉपी किए थे वो यहाँ से आप लोग को पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ लिख सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हो, मतलब बहुत फास्ट देख लो, तो जल्दी देख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो जल्दी देख लो। उसके बाद यहाँ मैंने डन पे क्लिक किया, और इसको आप ना कुछ इस तरह से आप लगा दोगे, उसके बाद नीचे आप लोग म्यूज़िक लगा सकते हो, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। और अगर आप लोग म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से म्यूज़िक पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को कोई सा भी एक म्यूज़िक ले लेना है, जैसे हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ डन पे, और यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से रखना है। अब मैं आप लोग को फेसबुक और इंस्टाग्राम क्यों कनेक्ट करने के लिए बता रहा था वो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ से आप लोग को ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे स्टोरी लग जाएगा। और अब यहाँ पे क्या होगा गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को फॉलो, मतलब बहुत सारे लोगों को आपके अपने कैटेगरी के लोगों को फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ अगर आप लगाओगे ना तो देखो यहाँ पे फेसबुक में भी ऑटोमेटिक चला जाता है, मैं आपको बता दूँ, तो ये देखते हो यहाँ पे फेसबुक में आ चुका है, मतलब ये पहले मैं लगाया था वो है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप लोग को आता है, जैसे ही यहाँ पे कोई लिंक पे ऐसे क्लिक करेगा ना तो वो डायरेक्टली आपके वीडियो पे चला जाएगा और वहाँ से आपके वीडियो उसको फुल वॉच करेगा। उसके बाद वो अगर उसको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे काम का है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग को व्यूज मिल सकता है। बाकी आप इंस्टाग्राम में फॉलोअर बनाओ अपने कैटेगरी का, जैसे टेक कैटेगरी है तो आप टेक कैटेगरी का, और कुछ इस तरह से आप लोग को अदर सोशल मीडिया से आप लोग को व्यूज मिल सकता है। तो आप लोग को ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।